हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ घर पे ही अपनी ज्वेलरीज को कैसे क्लीन करें। अपनी गोल्ड, डायमंड एंड सिल्वर ज्वेलरीज को आप घर पे कैसे पॉलिश कर सकते हैं, उसका बहुत ही आसान सा तरीका मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी वही पुरानी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं कुछ कांच के बाउल्स। जी हाँ, आपको कांच के बाउल ही यूज़ करने हैं, क्योंकि जो हम इंग्रेडिएंट्स डालने वाले वो आपस में रिएक्ट करते हैं। तो अगर आप मेटल के बर्तन यूज़ करेंगे तो मे बी वो कुछ रिएक्ट कर जाए एंड मेटल आपका ख़राब हो जाए। तो या चाहे आप फाइबर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कांच के बाउल में पहले लिया है 1 टेबल स्पून विनेगर, वाइट विनेगर मैंने यूज़ किया है। एंड देन उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया है क्लीनिंग एजेंट यानी कि डिटर्जेंट पाउडर। आप चाहे तो इसकी जगह कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक विमबार और कोई और भी जेल आपके पास अगर अवेलेबल हो तो। अब मैंने इसमें डाला है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट डालने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि टूथपेस्ट बिल्कुल वाइट वाला ही होना चाहिए, कोई कलर्ड वाला नहीं होना चाहिए, लाइक दंत कांति, क्लोजअप, इस टाइप का कुछ नहीं होना चाहिए, जेल वाला नहीं। आप वाइट टूथपेस्ट यूज़ करें, लाइक कोलगेट आप यूज़ कर सकते हैं। तो टूथपेस्ट ऐड करने के बाद एक टेबल स्पून मैंने विनेगर लिया है और टूथपेस्ट ऐड किया है और उसमें डाला है मैंने थोड़ा डिटर्जेंट पाउडर। और ये जो मेरा मिक्सचर रेडी है, इससे मैं सिल्वर के अपने पायल या जो भी आपकी ज्वेलरी सिल्वर की, आप उससे इससे क्लीन कर सकते हैं। तो अब मैं इसे डिप करने वाली हूँ इस बाउल में, इस सॉल्यूशन में। आप इसको डिप करें अच्छे से एंड इसे अच्छे से मिक्स कर दें, सो दैट कि जो भी इसमें इस पे अच्छी सी कोटिंग आ जाए, आपके जो भी आपने जो सॉल्यूशन रेडी किया है उसका अच्छे से कोट हो जाए आपके पायल या ज्वेलरी पे, एंड ताकि जो बिल्कुल अंदर तक जो भी गंदगी उसमें रहती है वो इस सॉल्यूशन से कट जाए। तो ये देखिए, मैंने दोनों पायल इसमें डिप कर दिए हैं और स्पून की हेल्प से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। एंड इन ये जो भी मैं डालने वाली हूँ, जो अलग अलग, जैसे डायमंड के लिए अलग बनाऊँगी, गोल्ड के लिए अलग एंड सिल्वर के लिए अलग, तो इन तीनों को आपको सॉल्यूशन इतना बनाना है कि आपकी ज्वेलरी उसमें अच्छे से डिप हो जाए। एंड ये देखिए, इसमें अच्छे से डिप हो गया। अब मैं इसे रख दूँगी लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। एंड अब मैं बनाने वाली हूँ नेक्स्ट सॉल्यूशन। तो इसके लिए भी मैं डाल रही हूँ पहले डिटर्जेंट पाउडर। और आप लोग में से कौन कौन ज्वेलर के पास अपनी ज्वेलरी क्लीन या पॉलिश करवाते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चूँकि मैं नहीं करवाती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि शायद ज्वेलरी बाहर पॉलिश कराने से ज़्यादा बेटर है कि आप घर पे ही क्लीन कर लें। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये सोच सही है या गलत है, और आप लोग कहाँ क्लीन कैसे करते हैं, अपना भी तरीका शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। तो अब मैंने इसमें भी 1 टेबल स्पून ऐड किया है विनेगर डिटर्जेंट पाउडर के साथ। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। जी हाँ, नमक, नमक थोड़ा जो है ना स्क्रब का काम करता है। एंड उसके बाद मैंने ऐड किया इसमें हल्दी। तो ये जो मेरा सॉल्यूशन है, ये गोल्ड ज्वेलरी क्लीन करने के लिए है। तो आप अपनी कोई भी गोल्ड ज्वेलरी, बट हाँ ये ध्यान रखिए कि वो जो आपकी गोल्ड ज्वेलरी होगी उसमें स्टोन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ स्टोन अगर उसमें होगा तो उस स्टोन पे आपके हल्दी का कलर चला जाएगा। इसलिए अगर स्टोन या डायमंड स्टडेड गोल्ड है आपका, तो आप इस सॉल्यूशन में उसे ना डिप करें, उसके लिए मैं अलग बताऊँगी। तो ये वाला जो सॉल्यूशन है ये सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी के लिए है, और चूँकि जो गोल्ड है हमारा उसमें कोई कलर का कोई टेंशन नहीं रह जाता है हल्दी के कलर का। तो अब मैंने इसको इसमें डिप कर दिया है, ये देखिए, और इसे भी मैं 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी। एंड अब नेक्स्ट जो बारी हमारी आती है वो है डायमंड ज्वेलरी की। तो डायमंड ज्वेलरी को क्लीन करने के लिए जो मैं सॉल्यूशन बनाने वाली हूँ, और हाँ इन सब में मैं आपको बताना भूल गई थी, मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला मीठा सोडा, वो ऐड कर रही हूँ थोड़ा। आप जानते हैं ये बहुत ही अच्छा क्लीनिंग एजेंट होता है, इससे बहुत ज़्यादा जल्दी हमारी ज्वेलरी या कोई भी चीज़ अगर आप साफ़ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है आपका, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो ये मैं ऐड करना भूल गई थी, इसलिए मैंने इसको बाद में ऐड कर दिया है। एंड अब मैं नेक्स्ट सॉल्यूशन बनाने वाली हूँ अपनी डायमंड ज्वेलरी को क्लीन करने के लिए। तो अब मैंने इसमें ऐड किया है बेकिंग सोडा 1 टीस्पून,
ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम लेडीज़ के साथ ये होता है कि हम रेगुलर ज्वेलरी पहनते हैं तो उसे क्लीन भी करना ज़रूरी होता है। एंड अब मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून विनेगर। विनेगर कॉमन है हमारा, विनेगर, बेकिंग सोडा एंड डिटर्जेंट पाउडर, ये तीनों चीज़ें हमारी कॉमन हैं। तो अब मैंने डिटर्जेंट पाउडर भी ऐड कर दिया है। तो आप वही मैं बता रही थी कि आप लोग अपनी ज्वेलरी इसलिए हमेशा क्लीन रखनी चाहिए, एंड स्पेशली रिंग्स वगैरह तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। और डायमंड ज्वेलरी में भी मैं ऐड कर रही हूँ टूथपेस्ट। टूथपेस्ट के लिए बस वही आपको बोलूँगी कि वाइट ही होना चाहिए, कलर टूथपेस्ट का यूज़ ना करें। एंड अब इसका भी मैं अच्छे से मिक्सचर बना लूँगी। और अभी तो वैसे भी लॉकडाउन में आप बाहर कहाँ जाएंगे पॉलिश करवाने एंड वॉश क्लीन करवाने के लिए। अगर आपके यहाँ वेडिंग्स अब तो शुरू हो गई थी, तो अगर आपके यहाँ भी कोई फंक्शन पार्टी है एंड आप वही ज्वेलरीज वगैरह पहन रहे हैं, आप चाहते हैं कि इसे थोड़ा क्लीन करें, तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। तो अब मैंने इसमें डिप कर दी अपनी डायमंड ज्वेलरी और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और इसे भी मैं लगभग 15 मिनट के लिए रहने दूँगी। तो इसमें मैंने अपनी रिंग, नोज रिंग, ईयरिंग, ये सब मैंने इसमें डाल दिया है, और इन सब को मैं 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो ये देखिए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, एंड ये जो हमारा हमारी ज्वेलरी है वो प्रॉपर उसमें अच्छे से डिप हो चुकी थी, एंड उसकी जो भी गंदगी है वो इस सॉल्यूशन में आ चुकी होगी। तो अब बस हमें इसे थोड़ा सा और इसमें मेहनत करनी है हमें, सो दैट ये अच्छे से क्लीन हो जाए। तो आइए चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। एंड यस, वीडियो को लाइक करिएगा एंड यूज़ करके मुझे रिव्यू भी बताइएगा कि आपको ये मेरी टिप कैसी लगी। एंड आप देख सकते होंगे, तो अब इसके बाद 15 से 20 मिनट होने के बाद मैंने ये अपनी सबसे पहले अपनी पायल को पिक किया है एंड उसे अपने हाथ पे रखे अच्छे से ब्रश से मैं इसे रब कर रही हूँ। एंड आप देख सकते होंगे कि मेरे हाथ में अब जो सॉल्यूशन जो मैंने जिसमें डिप किया था वो और इस सॉल्यूशन के कलर में काफ़ी डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। तो जी हाँ, वो कलर डिफरेंस सिर्फ इसलिए क्योंकि जो मेरे पायल की गंदगी थी वो बिल्कुल ही निकल चुकी है। एंड आप देख रहे होंगे आपको थोड़ा सा ग्लो भी दिख रहा होगा मेरी ज्वेलरी में। एंड इसी तरीके से मैं अपनी बाकी डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी को भी क्लीन कर लूँगी अपने हाथ पे रख के। वीडियो लेंथ लंबी हो रही है इसलिए आपको वो दोनों शो नहीं करूँगी, बट हाँ सेम इसी प्रोसेस से आपको उनको भी क्लीन करना है। बट हाँ, डायमंड ज्वेलरी को क्लीन करते टाइम थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो ज्वेलरी में जो स्टोन्स या डायमंड फिट किए हुए हैं वो लूज़ ना हो जाएं या वो निकल ना जाएं, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान केयरफुली, बहुत ज़्यादा हार्श ब्रशिंग उस पर नहीं करनी है। वैसे भी इस सॉल्यूशन में डिप करने के बाद जो गंदगी होती है वो निकल ही जाती है, बस हल्का ब्रश भी आप करेंगे तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। एंड यस, आप नीचे सॉल्यूशन का कलर एक बार ज़रूर देखिएगा कि वो कितना गंदा है, एंड मेरी ज्वेलरी की गंदगी सारी अच्छे से निकल चुकी है। तो सेम उसी प्रोसेस से मैंने अपनी गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरीज को भी क्लीन कर लिया था, एंड आप डिफरेंस अभी देख सकते होंगे कि कितना अच्छा दिख रहा है। ये सब बिल्कुल ही साफ सुथरे दिख रहे हैं, एंड ये देखिए डायमंड की ज्वेलरी मेरी कितनी शाइन कर रही है, एंड सारी ज्वेलरी मेरी बहुत अच्छे से क्लीन हो गई थी। तो बस आपको इसे रिंस करते टाइम एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो आपकी ज्वेलरी जब आप रिंस करते हो वॉश बेसिन में या किसी भी ड्रेनेज के जगह पे, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी ज्वेलरी उसको आप एक स्ट्रेनर में रख के ही करें, एक छन्नी में रख के करें, सो दैट कोई भी छोटी सी ज्वेलरी भी आपकी कहीं ड्रेन में गलती से भी गिर ना जाए। तो आई होप आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी होगी और इसे यूज़ करके मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। And yes, look at the glaze. Thanks for watching.